हाँ वह वो वाली ट्रेन जा रही है कार दी सरगोधा जिदे ते असी उन्हें जाना सी लेकिन असी हो गए थोड़ा जल्दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू करते हैं अपना आज का मज़ेदार ब्लॉग, और ब्लॉग शुरू होने से पहले सर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो ने लाइक कर देना, शुक्रिया। तो जनाब सीन यह है कि असी आए सी बलवाल और अच्छे से जा रहे हैं वापस अपने शहर सरगोधा। आप जाके अपने बैग शायद कस लो कि ट्रेन का टाइम होने वाला है। सवा बारह बैग तैयार है ना आपका? ओके जनाब, तो तैयारी वगैरह भी अपनी है और सवा बारह ट्रेन आनी है, पौने बारह यार वो सवा बारह नहीं, चलो आगे टाइम डिले हो तो हमारी नहीं है गलती, लेकिन हमने तो टाइम पे जाना ना। तो जनाब ट्रेन आनी सवा बारह और उन्हीं टाइम और इन्हें सवा ग्यारह यानी कि एक घंटे का टाइम है उन्हें। हाँ वह वो वाली ट्रेन जा रही है कार दी सरगोधा जिदे ते असी उन्हें जाना सी लेकिन असी हो गए थोड़ा जा लेट और एक और भी वजह बन गई, तो जिदी वजह तो असी नहीं जा रहे, सिर्फ ट्रेन खाली जा रही है सरगोधा की तरफ। साढ़े को नैक्सट ऑप्शन है वैन से जाने का, तो हम देखते हैं किस टाइम जावे हम असी, बाकी है ट्रेन तो जी जाते तो असी ईजी होकर जाना सी सरगोधा जा रही थी। जनाब तो उन्हें नमाज का टाइम हो गया, जमात होने वाली उन्हें चलते हैं मस्जिद और जमात पढ़ दी जाके। ये जनाब इधर मेरे फ़ोन की एडिटिंग से रिकॉर्डिंग से थोड़ी जी प्रॉब्लम हो गई सी, जिसकी वजह तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं दरअसल दस रहा कि यह जो अत्तर ने ना जी ए मेरे पप्पू ने दिते ने जी, छोटी पप्पू ने अबू जान वास्ते गिफ्ट है, तो मैं क्या इन्ने ज़्यादा अत्तर ने बारह अत्तर ने, तो मैं एक एक भी जो एक महीना अबू जान इस्तेमाल कर पूरा साल चल सकते हैं। नहीं अपनी बड़ी पप्पू घर जा रहे हैं मैं, उत्तर अब्दुल भाव भी उत्थे ही है और समान उठावे और फिर अपने शहर चलेंगे सरगोधा। वैसे मेरा दिल से ट्रेन से जान था लेकिन लेट हो गया ट्रेन पर। नेक्स्ट ट्रेन आनी जनाब शाम को 6 बजे 7 बजे, उस टाइम तक अभी बहुत लेट हो जाएगा। अब रेडी हो गया, हम ही जा रहे हैं अभी वापस कार वैगन से जावे, टाइम 5 बजने वाले ने, हम ही चलते हैं और सरगोधा चल रहे हैं फिर थोड़ा टाइम मिलते हैं। अब एक्साइटमेंट है घर जाने के लिए, तैयार हो गए चले फिर। ना खोलो एसी चार बंद कर दो। तो जनाब सरगोधा अभी पहुँच गए हैं और लाड़ी अड्डे से उतरेंगे, अबू जान उ आ जाएंगे लाड़ी अड्डे अभी पहुँच गए हैं, अबू जान नहीं देखते हैं किस तरफ ने, मेरा ख्याल से दूसरी साइड देने उस तरफ जाना पड़ेगा। आप सामने दिया PSO का पेट्रोल पंप। पहुंच चुके हैं, अबू जान ने अपना गिफ्ट अनबॉक्स किया जो सुबह तो मैं तुम्हें दिखा रहा छोटी पप्पू ने दिखे थे, और अब्दुल वहाब ने आते ही TV चला लिया, अपना YouTube मिस कर रहे अब्दुल वहाब उधर भी फोन लेके बैठे थे, और उन्हें मिलो अपनी फजर से। फजर इधर आओ, क्या हाल है? हमारा प्लान है ये बैलून आपको पप्पू ने दिए थे आपके पास है, ये आपकी बड़ी पप्पू ने आपके लिए भेजे थे। हाँ जी, क्या पूछ रही हो?
हाँ जी जनाब वापस कार आ गए हैं, अपनी लिमिट से वापस आ गए हैं। और जड़ा ना जी नहीं, मैं जा रहा हूँ मस्जिद नमाज पढ़ने, मैं और अब्दुल वहाब, एक तो नमाज पढ़नी है, दूसरा अब्दुल वहाब इन्ने दिन तो छुट्टियाँ तो सी, अज साढ़ा पंजवा दिन से अब्दुल वहाब चे, तो अब्दुल वहाब छुट्टियाँ कर रहा इस बारे तो नहीं, अब्दुल वहाब पता है कार्य साहब गुस्सा करेंगे। अब्दुल वहाब छुट्टियाँ लैके नहीं गया सी क्योंकि उस दिन रैंडमली ही अब्दुल वहाब मेरे नाल चला गया, अब्दुल वहाब का कोई प्लान नहीं सी और मेरे नाल अब्दुल वहाब चला गया। अब्दुल वहाब उत्थे मौज मस्ती कर ली, उन्हें अब्दुल वहाब में डर है कि कारी साहब ना बोलन, इस करके मैंने नाल लेके जा रहा है ताकि मैं कारी साहब अब्दुल वहाब की रिक्वेस्ट कर सकूँ। मुरेंगे तो नहीं फिर डांटेंगे जनाब। जुम्मे रात वाले दिन गए सी और आज मंडे है, तुसी आप अंदाजा लगा लो 5 दिन बांधे ने। जनाब नमाज पढ़ ली है और हूँ ही वापस मैं कार जा रहा हूँ। अब्दुल वहाब के कार साहब ने मैं कह दिता सी कि अब्दुल वहाब मेरे नाल गया हुआ सी। जनाब दरअसल मैं अपने कजन नाल सी, लेट सो रहे सी, लेट उठ रहे सी और जरा जी अपना सारा निज़ाम डिस्टर्ब होया सी, लेकिन नहीं जरना सब कुछ सैट करांगे दोबारा तो जल्दी। वैसे मैंने अद जल्दी सोन दी है और जल्दी उठ जाता मैं सुबह फजर टाइम। जनाब नेक्स्ट ब्लॉग से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मेरे सेल फोन से भी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है रिकॉर्डिंग का, ना थोड़ा जो मसला आ रहा वो भी मैं रीसेट करना है। तो फिलहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। जनाब नेक्स्ट ब्लॉग से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मेरे सेल फोन से भी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है रिकॉर्डिंग का, ना थोड़ा जो मसला आ रहा वो भी मैं रीसेट करना है। तो फिलहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।